नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का, और मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज हम बात करेंगे राम की लड़ाई हिंदुत्व लड़ाई। जी हां, 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले राम मंदिर पर सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस के बयान उस पर सियासत गरमाई और राम की लड़ाई अब हिंदुत्व पर आई। राम मंदिर पर गरमाई सियासत के बाद अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं धार्मिक हूं, ये मेरा नितांत निजी विषय है। उधर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राजनेताओं को धर्म की व्याख्या से बचना चाहिए। कांग्रेस के बयानों पर बीजेपी का पलटवार भी जारी है, ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर और सियासत, कई दिनों से बस यही चल रहा है। आस्था पर आक्रमण हो रहा है और ये आक्रमण कौन कर रहा है ये भी सब जानते हैं। कांग्रेस को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न्योता मिला, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने निमंत्रण ही ठुकरा दिया और अब उसी पर सियासत धुआंधार है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक्स पर कहा, मैं हिंदू हूँ, मैं धार्मिक हूँ, ये मेरा नितांत निजी विषय है। अपने धर्म को मानने का तरीका किसी की परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही हमारे देश की असली पहचान है। उधर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही प्रभु श्री राम के कार्यों का विरोध करती आई है। कांग्रेसियों ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने कहा कि जो लोग गोडसे का महिमा मंडन करते हैं और गांधी को गाली देते हैं, उनके क्या विचार हैं और क्या सोच है आप सबको पता है। धर्म इनके लिए आस्था विश्वास की जगह है कि राजनीति की जगह, ये सब तय करें। उधर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कहा कि राम हमारे आराध्य हैं और हम उनके वंशज। पूरी मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई है, परमात्मा एक, परमात्मा को मानने वाले एक। जब समंदर एक है तो बूंदे अलग अलग कैसे हो गई, तो हम उनके वंशज कैसे नहीं हो गए। इमरान मसूद ही क्या, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस के फैसले पर सवाल खड़े किए। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राजनेताओं को धर्म की व्याख्या करने से बचना चाहिए, राम सबके हैं। जो शुभ काम है उसमें रोड़े मत अटकाओ। भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है, इसका स्वागत करो। ये भारत का उत्सव है, ये भारत का गौरव है। पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार बलबीर पुंज ने कहा कि मानो तो पंडित नेहरू के समय से ही कांग्रेस हिंदुत्व को लेकर अवसरवादी राजनीति करती आई है और ये कांग्रेस के डीएनए में ही है। इस विवाद को 70 वर्षों तक राजनीतिक और विचारधारा के कारणों के कारण लटकाए रखा गया। ये लड़ाई सिर्फ सियासतदानों की, लेकिन बीच में राम के नाम पर हो हल्ला हो रहा है। आखिर क्यों राम की लड़ाई हिंदुत्व पर आई, क्या अब आस्था पर राजनीति होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कहते हैं कि भक्ति में वो शक्ति होती है जो सबको एक मंच पर लाकर एक कर देती है। आस्था की डोर सभी को बांधती है, लेकिन यहां तो सियासत है। राम मंदिर की लड़ाई अब हिंदुत्व पर आई है। कांग्रेस निमंत्रण ठुकराने के बाद घिरी हुई है, हमलावर है। ऐसे में अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल भी कर रही है। कहा जा रहा है कि 15 जनवरी को कांग्रेस के नेता राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं, महाडिबेट के सवाल क्या है उन पर नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल है, राम मंदिर की लड़ाई हिंदुत्व पर आखिरकार क्यों आई? ये पहला बड़ा सवाल है जिसके जवाब हम ढूंढेंगे। और सवाल नंबर दो, यानी कि दूसरा सवाल है, अयोध्या जाएंगे लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से दूरी क्यों, क्या वजह है? और सवाल नंबर तीन, चुनाव की तैयारी, राम मंदिर पर क्यों सियासत भारी? ये है तीन महाडिबेट के अहम सवाल जिन पर हम जवाब तलाशेंगे, कारणों को ढूंढेंगे कि आखिरकार क्या वजह है जो अब राम मंदिर को लेकर भी यहां एकता देखने को नहीं मिल रही है। हमारे साथ खास गेस्ट पैनल जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अवधेशपुरी है, महाराज है, क्रांतिकारी संत स्वास्तिक पीठ के बीजेपी प्रवक्ता है अजय धवले जी, और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता है अजीत भदौरिया जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं सूर्या मैथिल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
अजीत जी, पहला सवाल तो कांग्रेस पार्टी से ही यहां पर पूछना बनता है, क्योंकि हम कल भी ये पूछ रहे थे कि जब आपकी पार्टी के अंदर ही इस फैसले के खिलाफ स्वर विरोध में उठ रहे हैं, तो फिर कैसे आप सही मैसेज पहुंचाने का दावा कर रहे हैं? क्यों ये पूरी जो मुहिम है वो उस लड़ाई पर आ गई है? कौन सी लड़ाई पर आ गई है अपर्णा जी? आप देखेंगे कि इस देश में एक नैरेटिव सेट किया जाता है और उसमें गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ होता है, योगदान होता है। आप अगर देखेंगे कि भाई 22 जनवरी को क्या राम मंदिर पूरा बन गया क्या? आप जितने लोग बैठे हैं, किसी को भी अगर गृह प्रवेश करना हो तो घर जब पूरा बन जाता है उसी के बाद गृह प्रवेश करते हैं ना, कि अधूरे घर में गृह प्रवेश कर लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आप मुझे बता दीजिए कि 22 जनवरी को सरकारी आयोजन है कि भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है कि आरएसएस का आयोजन है? ये लोग कौन है जो जाके ये लोग इसका नैरेटिव सेट कर रहे हैं घर घर जाकर? कांग्रेस पार्टी को क्या करना है क्या नहीं करना, कांग्रेस पार्टी को कब राम मंदिर में जाना है, कब दर्शन करना है, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस तय नहीं करेगी अपर्णा जी? ये कांग्रेस पार्टी को आस्था का विषय है। कांग्रेस पार्टी को जब जाना है तब राम के या प्रभु श्री राम के दर्शन करने या महाकाल के दर्शन करने कांग्रेस पार्टी जाएगी और जाती रही है सदैव से। इसमें कांग्रेस पार्टी क्या गुजरात चुनाव, में इलेक्शन था तो सुन तो लीजिए, राहुल गांधी मेरी बात सुनिए। हाँ तो नरेंद्र मोदी जी भी गुफा में बैठते हैं जाके, वो भी बताइए ना, केदारनाथ के गर्भगृह में जाकर कैमरे लगाए जाते हैं। सुनिए मेरी बात, आप केदारनाथ के, आप मुझे बताइए ना, आप नरेंद्र मोदी की भी बोलिए ना, अरे नरेंद्र मोदी का भी बोलिए ना कि गर्भगृह में कैमरे लगाए जाते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ में जाके, और जब जिस दिन जो दूसरे राज्यों में वोटिंग होती है वहां केदारनाथ में जाके गुफा में नौटंकी की जाती है जिसको लाइव पूरी देश की मीडिया दिखाती है। तो ये नैरेटिव सेट भारतीय जनता पार्टी करती है। आपके कहने से और बीजेपी आरएसएस के कहने से हाँ नहीं करती कांग्रेस पार्टी, क्यों जाए कांग्रेस पार्टी अधूरे मंदिर पे, अधूरे मंदिर में क्यों जाए कांग्रेस पार्टी? आप बताइए ना, आप लोगों के सुनिए मेरी, जाएंगे आपकी पार्टी के मतलब 22 जनवरी को मंदिर पूरा बन रहा है क्या? 22 जनवरी को मंदिर पूरा बन रहा है क्या? मंदिर की पूर्णता हो जाएगी क्या 22 जनवरी को? आप कह पाएंगे कि अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? वो एक ऐसा व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है जिसने स्वयं अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। मैं जानती हूँ ना, जितनी मेरी आस्था है भदौरिया जी, जहाँ भगवान होते हैं वो तो हर अधूरा कार्य पूरा कर देते हैं। आप पता नहीं अब आपकी आस्था आपका विश्वास क्या है, सभी की आस्था विश्वास का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन आप इसी बात को लेकर मैं जा रही हूँ। ये महाराज जी बैठे हैं गेरुआ वस्त्र पहन के, किसी भी मूर्ति की किसी की भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो बिना धर्म पत्नी के किया जाता है क्या? हमारी इस पृथ्वी पे सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं चारों। वो शंकराचार्य जी जब असंतुष्ट है राम इनके भक्तों के, बागेश्वर महाराज है, जब उन्होंने कह दिया है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री शंकराचार्य जी जब वो लोग नहीं जा रहे हैं 22 तारीख को, तो फिर ये काय की अधूरी बात क्यों कह रहे हैं? लेकिन बागेश्वर महाराज ने तो ये भी कहा है ना कि वो तो जाएंगे। अरे जाएंगे अलग, पर उन्होंने लेकिन अरे आप अधूरी बात बता रहे हैं, अधूरा स्टेटमेंट बता रहे हैं ना। आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि आप बिना धर्म पत्नी के आप ही बात को लेकर जा रहे हैं डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी। आप ठीक है, धर्म के जो जानकार है ना उन्हीं से सवाल कर लेती हूँ। कांग्रेस का ये सवाल और कांग्रेस इन तमाम ऑब्जेक्शंस को उठाते हुए खुद नहीं जाने का फैसला ले रही है, अवधेशपुरी महाराज जी जरा आप बता दीजिए क्या सही और क्या गलत? देखो मैं तो इतना जानता हूँ, पूरे देश को बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने तो ये भी फैसला लिया था कि राम सेतु था ही नहीं। अभी सुनिए महाराज, आप इस चक्कर में मत पड़ो, सुनिए, आप गेरुआ वस्त्र पहन के बैठे हो तो उसका सम्मान करिए। अब आपको जानकारी है अभी केंद्र की मोदी सरकार ने भी ये हलफनामा दिया था। आपने किसी गुंडे को बुला लिया क्या डिबेट में? आपने किसी गुंडे को बुला लिया क्या यहाँ डिबेट के अंदर? आप मर्दों की आपकी बात न्यूज 18 आपकी बात को मर्यादा दीजिए क्या? आपकी बात को सभी ने संयम से सुना ना भदौरिया जी, अभी तो उन्होंने कहा भी नहीं पूरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में इनसे ये पूछिए
किसी भी मंदिर की मैं मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। भदौरिया जी, और फिर आप लोग दूसरों पर आक्षेप लगाते हैं, उंगलियां उठाते हैं। आपकी बात को सबने सुना ना, आपकी तमाम आपत्तियों को हमने सुना, प्लेटफॉर्म दिया, अब उनके जवाब सुन लीजिए। महाराज जी बैठे हैं, गेरुआ वस्त्र का अपमान कर रहे हैं, गुंडा गुंडा। आप नहीं बताएंगे कौन किस रंग के वस्त्र पहनेगा ना? भदौरिया जी सुन लीजिए, चरित्र होगा गुंडों का। आप सभ्यता से बात करिए डॉक्टर अवधेशपुरी जी, आपको सुनिए मेरी बात। महाराज जी मैं आपको बता दूं, विनम्रता से आग्रह करूं, अरे आप हाथ तो नीचे कीजिए, सब आपकी बात सुन रहे हैं। तो कम से कम इन सब जो भदौरिया जी आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अजीत जी गेरुआ पहन रहे हैं इसलिए आपसे बात कह रहे हैं, हमको मालूम है तो कांग्रेस के पतन का कारण ही है जो आप भाषा बोल रहे हो। आपके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस पार्टी को, ठीक है? और आप जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो गेरुआ वस्त्र पहन के इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। राम से तू है ही नहीं, भगवान राम को आपने काल्पनिक कह दिया। आपकी जानकारी में है, नरेंद्र मोदी सरकार ने भी दिया अभी स्टेटमेंट, गूगल कर लेना बैठ के अभी डिबेट के बाद। कांग्रेस को कभी जाना भी नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ राम मंदिर में जाने का कांग्रेस को अधिकार नहीं, क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस काल्पनिक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको तो जाना ही नहीं चाहिए, एक भी कांग्रेसी को राम मंदिर में बिना पत्नी के किसी की प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? जजमान के यजमान बिना धर्म पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा कर लेता है, बताओ? अरे जब पूरे देश में खुशी का माहौल है, पूरे देश के लोग श्रद्धा से प्राण प्रतिष्ठा किसी मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बिना धर्म पत्नी के जजमान कर सकता है क्या? सामने ठीक है, बढ़ती हुआ डिबेट में, नहीं नहीं इतना समय नहीं है, ठीक है? आप मेरे सवाल का जवाब ले लो ना कि बिना। अरे आप चुप होंगे तो आपकी बात आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे, लगातार आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आपने सवाल पूछे, आपको पूरा समय मिला, आप संयम के साथ सुन लीजिए जवाब। के पैनल में ऐसे डॉक्टर अवधेशपुरी जी, भारतीय जनता पार्टी जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस को कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी इस देश की धार्मिक तरक्की नजर नहीं आती, इसलिए 60 साल तक कांग्रेस ने राज्य किया, लेकिन 60 साल में राम मंदिर पर कोई डिसीजन क्यों नहीं आया? क्या कांग्रेस को नहीं मालूम था कि वो राम मंदिर है? कांग्रेस ने वकील खड़े किए, बात हमको गलत लगी, राम सेतु के अस्तित्व को नकारा, हमको अच्छा नहीं लगा। ये गेरुआ की बात कर रहे हैं, हम गेरुआ पहने इसलिए तो बात हम कह रहे हैं। क्या आप राम को काल्पनिक कहोगे? हम राम हमारे आराध्य है, तो हमको बुरा नहीं लगेगा क्या? अरे इनकी पार्टी के इमरान मसूद भी कह रहे हैं कि राम हमारे आराध्य है, लेकिन फिर भी पार्टी के आलाकमान ने ये फैसले लिया कि वो नहीं जाएंगे इस कार्यक्रम में। खैर बढ़ते आगे, धवले जी आपकी तो लड़ाई आसान कर दी कांग्रेस इस फैसले ने। देखिए कांग्रेस कभी भी इस देश का जो जनाकांक्षा थी उसको समझ ही नहीं पाया। राम इस देश के वैचारिक अधिष्ठान थे, इस देश की सांस्कृतिक अभ्युदय का एक कारण थे, और राम इस देश के नहीं इस विश्व की सनातन संस्कृति के अभ्युदय का एक कारण थे। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने और पूर्ववर्ती सरकारों ने चुन चुनकर लटकाने अटकाने भटकाने का काम इस पूरे मुद्दे को किया है। जब भी देश में राजनीति करने का विषय आता था, राम मंदिर के विषय पर राजनीति करते थे। अब देखिए पहले कहते थे कि हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया जा रहा है, जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निमंत्रण दे दिया और उनसे आग्रह किया कि आप भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आइए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आइए, तब कह रहे कि भाजपा और आरएसएस का इवेंट है, हम नहीं जाएंगे। ये चंदे पे सवाल उठाते थे कि निधि संग्रह हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी ने निधि संग्रह खा लिया है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब अफगानिस्तान की बाबर की कब्र पर इनकी तीन पीढ़ियां जाती है तब इन्हें धार्मिक उन्माद नहीं दिखता है। तो 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन राष्ट्रपति जी को सोमनाथ मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा और पुनर्निर्माण हुआ था उसमें जाने से रोकने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, अनगिनत चिट्ठियां लिख देते हैं, तब धर्म देश में धार्मिक उन्माद नहीं हो रहा था। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी एक चिट्ठी में लिखते हैं नेहरू जी कि जो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है उससे मैं आहत हूं और इससे भारत इंटरनेशनली साइन कैसे करेगा। तो इन कांग्रेस वालों को पहले तो देश के समक्ष अपना वैचारिक जो विचार है वो क्लियर करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस की लीडरशिप जब वेटिकन सिटी में पोप को चिट्ठी लिखकर वहां के एक इवेंट के लिए, सांत्वना इवेंट के लिए दो अपने दूध भेज सकती है, लेकिन जब भव्य दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, 500 वर्ष की प्रतीक्षा जहां पूर्ण होने जा रही है, वहां सिर्फ राजनीति का मुद्दा कहकर उस पूरे राजनीतिक मुद्दा से बनाया किसने? जगदीश द्विवेदी जी क्या देख रहे हैं आप इसके पीछे कांग्रेस की मंशा को? क्या ये एक स्ट्रैटेजिक जो साउथ सेंटर स्ट्रैटेजी है या फिर सेल्फ गोल?
देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा मुद्दा है, निश्चित रूप से राम मंदिर राजनीति का मुद्दा तो बन गया है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और कि ये, और जब भी बीजेपी निश्चित रूप से इस मुद्दे को लाई है तो उसके पीछे धर्म अपनी जगह है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल कोई जब इशू लाता है तो उसके अपने हानि लाभ के गणित भी होते हैं, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, ना होना भी नहीं चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आखिरकार राम का मुद्दा बना क्यों, मैं किसी राजनीतिक दल की तरफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसके पीछे हम अगर राम भी ने राम या कांग्रेस जो भी आरोप लगाए कि इसके पीछे, लेकिन उस पेटेंट को भी देखना, उस पार्श्व में ही हमें जाने के देखना होगा कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले एक वर्ग को कुछ फेफड़ों से ये लगने लगा था कि शायद उसकी उपेक्षा हो रही है, तो बीजेपी ने उन भावनाओं को भुनाया निश्चित रूप से राजनीति में, और उसने हिंदुत्व के मुद्दे कार्ड को खेला, और उसको खेल के वो लगातार सफलता में आगे बढ़ रही है। तो उसे मालूम है कि राम इस देश की जीवन पद्धति है, राम इस देश का आधार है जीने का, देश की नब्ज और देश के आधार को बीजेपी ने समझ लिया सूर्या मैथिल जी, लेकिन फिर कांग्रेस को ऐतराज क्यों है, क्या देश की वही पिच पर कांग्रेस खेलने उतर गई है जो पिच तो बीजेपी ने तैयार की थी। धन्यवाद अपर्णा जी, पहले आप मुझे और आपके सभी दर्शकों को पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। जो राजनीति, अरे पत्रकार महोदय आप सुन भी लीजिए, आपने आंकलन दे दिया, आप सुन लीजिए सच को जरा, आप बैलेंस करने के अंदर, आप बैलेंस करने में कुछ चीजों को छुपा गए और कुछ चीजों को बता गए, सुन लीजिए। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद के लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये जीवन और मरण का मुद्दा है, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए आप, आपको शोभा नहीं देता। जरा प्रवक्ता के रूप में अगर बैठना है तो कांग्रेस के प्रवक्ता रूप में बैठिए, या बैठकर आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, सुनिए, सुन लीजिए, ऐसे नहीं, आराम से, आराम से कहने दीजिए, मेरा अपनी बात लाने आपको, अरे आप मेरे को बात कहने का मौका देंगे आप मुझे, ये राजनीतिक, आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे हैं साहब, आनो प्रकरण के बाद ये राजनीतिक विश्लेषक, देखिए अपर्णा जी सबसे पहले तो मैं तो नहीं आया, सभी लोग शांत हो जाए, सभी लोग एक मिनट शांत हो जाए, एक मिनट शांत हो जाए, जल्दी जी, ठीक है, आपने कहा कि आप अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाए, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं जाता हूं, सम्मान कर ले, अरे जब पट्टी चल रही है राजनीतिक विश्लेषक उसका तो सम्मान कर ले, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा बिना के बिठाल दो। जगदीश जी ने जो बात कही वो बात बर्बाद मत कीजिए, अरे आप जगदीश जी अपनी बात सर कंप्लीट कर लीजिए, आप फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ जी। मेरा उसमें कहना यह है, वो कांग्रेस के जो मित्र हैं उन्होंने मेरी बात को एक अलग अंदाज में लिया, मेरा कहना यह है कि जब साहबानो प्रकरण आया उसके पहले देश की राजनीति एक दिशा में चल रही थी, साहबानो प्रकरण के बाद देश की राजनीतिक दिशा बदली, राजनीति की धुरी बदली, उसके बाद राजीव गांधी सरकार ने आनन फानन में फिर राम मंदिर के ताले खुलवाए और बीजेपी ने उस नब्ज को पकड़ा, राजनीति में नब्ज ही पकड़ी जाती है, मतदाताओं के मन को पकड़ा जाता है, और राजनीति में जब उसको पकड़ा तो राजनीति की दिशा बदल गई, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ या बीजेपी को फायदा हुआ मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन राजनीति की दिशा जो है, कल आप जिनको भी साहबानो प्रकरण याद होगा उस प्रकरण के बाद से राजनीतिक दिशा बदली है, उसके बाद से ही ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे चालू हुए। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता कि ये मुद्दे चुनाव के होने चाहिए, लेकिन ये राजनीति के स्थायी मुद्दे बन चुके हैं, सियासत भी गर्मा गई इस बात पर, ठीक है जगदीश जी, ठीक है सूर्या मैथिल जी धन्यवाद, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह रहे थे चारों जो हमारे शंकराचार्य हैं उन चारों शंकराचार्यों ने विरोध किया है, तो मैं पहले तो इनको करेक्ट कर दूं कि आपका चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है, पूरा देश इसको देखता है, रीजनल नहीं है, नेशनल चैनल है ये, और इसमें जानकारी जो है सटीक जानी चाहिए। इसके अंदर केवल और केवल शंकराचार्य जो हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी बद्रिका उत्तराखंड के जो हैं केवल उन्होंने विरोध किया, उसके अलावा चाहे वो स्वामी भारती महाराज जी हो श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक के, और चाहे वो स्वामी सदानंद जी महाराज हो शारदा मठ के, उसके अलावा चाहे वो उसके अलावा एक और जो हमारे शंकराचार्य पूरी पीठ के, उन्होंने भी निश्चलानंद सरस्वती जी ने उन्होंने सबने समर्थन किया है, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं, आप चाहें तो इस चीज को पीटीआई और ANI की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारी मर्जी होगी हम तब जाएंगे, हाँ बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से, जब आप सत्ता में थे तब आप ये कहते थे इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और आप अपने पीएमओ में बुलाकर
नरसंहार जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का किया उनको खाना खिलाते थे, हाथ मिलाते थे। आप केवल कब्रिस्तान की राजनीति करते थे और उसके अलावा आप हज की राजनीति करते थे, रमजान के अंदर टोपियां पहनकर और चादरें ओढ़ ओढ़ कर आप इफ्तार पार्टी की राजनीति करते थे, उसके अलावा आप कोई काम नहीं करते। किसकी सरकार में हुआ? आराम से उंगली दिखानी, जेल में रखी उंगली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ? देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कश्मीरी पंडित सबसे ज्यादा कश्मीर से बाहर आए। अरे पूरा देश देख रहे हो आप, तो बोला रहे हो कश्मीरी पंडितों का, आप यहाँ बदतमीजी कर रहे हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस ने अपने छुपा हुआ गुंडा यहाँ भेज दिया है और वो यहाँ बैठ कर धमका रहा है। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार में हुआ। कपिल सिब्बल ने अदालत में खड़े होकर बोला था कि मुझे बताइए राम का जन्म कहाँ हुआ है, बताइए राम का जन्म कहाँ हुआ है, कोई सबूत दीजिए भगवान राम का जन्म क्या हुआ। अरे जो भारत राम से जाना जाता है, जिस भारत के आराध्य भगवान श्री राम है, उनका अदालत के अंदर इन कांग्रेस के कारण वहां पर सबूत देने पड़े, सबूत देने पड़े। मैं आऊंगी ना, एक बात और सुन तो लीजिए आप। अपना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जा ही नहीं रही ऑडियंस का, कि कश्मीरी पंडितों का सबसे ज्यादा नरसंहार किसकी सरकार में? मेरा निवेदन है, अरे आपके पास में जब आऊंगी तो आप इस बात को रख लीजिएगा। भदौरिया जी, आप उनके झूठ को तार तार कर दीजिएगा ना, आपके पास में आऊंगी, आऊंगी। आज पूरा देश से मेरा प्रश्न है, आपने प्रश्न पूछे ना, मेरा एक प्रश्न है पूरे देश से यहाँ उपस्थित पैनल से, क्या नरेंद्र मोदी सरकार अगर नहीं होती तो क्या मंदिर बनता? उसका जवाब ना में है, क्योंकि जब शाहबानों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित हुआ था कि शाहबानों का भरण पोषण के लिए पैसा दिया जाना चाहिए, तब यही कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी सरकार थी, जिन्होंने संसद में देखिए पानी पी लिया किस प्रकार से जाइए अच्छा, किस प्रकार से संसद में उन्होंने कानून बनाया और शाहबाने के मुद्दे को पलट दिया, और ये यहाँ भी यही करते, ये कैसे भाईचारा खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगा, खराब नहीं करना है सूरज, जिन्होंने न एक बूंद खून गिरने दिया, न एक पत्थर चलने दिया, और आज राम मंदिर के प्रारंभ जवाब तो लेते हैं सूर्या जी, एक मिनट जी, भदौरिया जी कहिए। भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी है, मुस्लिम परस्त पार्टी है। कश्मीर में जब बुरहान वानी की हत्या होती है, बुरहान वानी आतंकवादी मारा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाकर उसके मंत्री वहां जाकर उसके घर में मुआवजा दे के आता है, आतंकवादी बुरहान वानी के घर में आईएसआई को बुला के, पाकिस्तानी जांच एजेंसी को बुला के, पठानकोट का जो एयरबेस चेक कराते हैं, जो आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, इनके शासन में लाल किले पे हमला हुआ, इनकी सरकार में सुप्रीम संसद पे हमला हुआ, ये नरेंद्र मोदी कितनी भी बड़ी बातें कर ले इस गोदी मीडिया के माध्यम से। अरे क्या गोदी मीडिया, अरे आपको आप है क्या, आप है क्या, आप है क्या, आप उसकी श्रेणी में आ रही क्या? मैं जवाब दूंगी, आप उसकी श्रेणी में आ रही है क्या भदौरिया जी? अगर आपको बुलाया है, पूरे सम्मान के साथ सवाल आपके लिए जा रहे हैं, जवाब देने का मौका मिल रहा है, तो कम से कम इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए ना। अरे तो मेरी बात सुन लीजिए आप, जब आज संसद पे, जब संसद के अंदर कितने सौ करोड़ का संसद बना दी गई, उसके अंदर जब आदमी घुस के स्प्रे कर देता है सांसदों के बीच में जाके, तो ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश, नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सिर्फ और सिर्फ चैनलों में सुरक्षित है और कहीं पर सुरक्षित नहीं है, ये हकीकत है इस देश की। पकड़े नहीं गए क्या बोलो? इस देश को अच्छा पकड़े गए, बहुत बढ़िया। ये नहीं कहोगी कि अंदर कैसे पहुंच गए? मैं क्या कहूंगी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये खबर किसने दिखाई आपको? खबर दिखी एजेंडा सेट करती हो, अब पकड़े नहीं गए क्या? अरे बाबा बात करने की आपको बिल्कुल तमीज नहीं है, और ये नहीं, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का आपका, सलीका सीख कराइए फिर बात कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, आप सलीका सीख कराइए पहले, मुझे 20 सेकंड दीजिए। ये खिंचानी बिल्ली खंभा नोच रही है, 20 सेकंड दे दीजिए अपना। अपमानित कर रही है, नहीं आप हाथ दिखाकर बात करिए, मैं भी हाथ दिखाकर बात करूंगी आपसे। पहले अपने गिरेबान में झांकिए, राम को पढ़कर आइए और भारतीय आवाम को जानिए,
फिर बात कीजिएगा। अपर्णा आप परेशान मत होइए, ये इनके डीएनए में है। जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने आपातकाल लगाया, देश की मीडिया को जेल में बंद किया, देश के विपक्ष को जेल में बंद किया। आज सत्ता से बाहर है तो ये सरकारी आंचल पर रोजाना पार्टी करने वाले प्रवक्ता क्या बताएंगे हमें? अपत्रता या कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, यही कांग्रेस की, यही इस देश में विपक्ष की राजनीति अगर किसी ने गलत होता है तो वो कांग्रेस जैसा राजनीति दल है। इनको दिखाई देता है इनके लिए बीच में हाफिज सईद, हाफिज सईद जी है इनके लिए, ओसामा लादेन, ओसामा बिन लादेन जी है के लिए बिरयानी है, लेकिन हाथ में जेल है। नहीं, और पहली बात एक मिनट, अजीत भदौरिया जी, आप जो बात जनता को समझा नहीं पा रहे ना, तो पहले आप अपने नेताओं को समझाइए। आपके दिग्विजय सिंह कुछ और कहते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम आके कुछ और कह देते हैं। राजनेताओं को धर्म की व्याख्या करने से बचना चाहिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं। पहले अपने ही नेताओं को समझा लीजिए, जो एजेंडा पार्टी सेट करती है ना, पहले अपने ही नेताओं को क्लियर कर लीजिए, ताकि अलग अलग सुर में बाइट ना आए उनकी, और फिर उसके बाद किसी और को नसीहत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस महा डिबेट में शामिल होने के लिए।